एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ डाइसन V11 एब्सोल्यूट प्रो के बारे में, एंड टू एंड डिटेल्स देने वाली हूँ कि अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैं अपना पर्सनल रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। श्योर काफी सारे लोगों को डाइसन के बारे में ऑलरेडी पता होगा। इनका ये जो वैक्यूम क्लीनर है, दिस इज वर्ल्ड फेमस वैक्यूम क्लीनर एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वैक्यूम क्लीनर इन द वर्ल्ड। सो यस, स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो ये जो वीडियो रहने वाला है ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहने वाला है। इसका जो फर्स्ट पार्ट रहने वाला है उसमें मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगी एंड साथ ही साथ कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर हैं एंड कौन कौन से जो इसके अटैचमेंट्स हैं वो किस काम के लिए यूज होते हैं, वो सारी चीजें रहेंगी। सो दैट अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एंड आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक तरह से क्विक मैनुअल आपको मिल जाए डेमो टाइप का। एंड जो सेकेंड पार्ट रहने वाला है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, कैसे हम कहाँ कहाँ किस तरह से इसमें चीजें यूज कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं इंक्लूड कर दूंगी। ये प्रोडक्ट मुझे 10 डेज पहले आ चुका था एंड 10 डेज से मैं कंटिन्यूअसली डेली इसको यूज कर रही हूं। सो यस, अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। मैं जिस दिन ये डिलीवर हुआ था उस दिन इसका पूरा अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने शूट कर लिया था। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि किस तरह से ये मेरे पास आया था। सो यस, स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग वीडियो से। तो ये है हम लोगों का वैक्यूम क्लीनर और ये बहुत ही अच्छे से नीटली पैक्ड होकर के आया था एक अलग कार्डबोर्ड बॉक्स में। इसका जो एक्चुअल MRP है वो है 57,900 रुपीज, बट ये डायसन की वेबसाइट पे आपको 52,900 में मिल जाता है एंड साथ ही साथ जीरो कॉस्ट EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो जब हम कार्डबोर्ड बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें से ये मेन बॉक्स आता है। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है और इसके जितने भी पार्ट्स आते हैं वो सब अलग अलग बॉक्स में बहुत अच्छे से पैक करके उन्हें दिया हुआ था, तो कोई भी बॉक्स डैमेज अगर होने का चांस ही नहीं था, मतलब बहुत अच्छे से पैक होकर के आया था। इसके साथ आती है एक मैनुअल जिसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन होती है, इसको असेंबल करना बहुत ईजी है। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये कॉर्डलेस स्टिक बॉडी है, इसके अंदर ट्रिगर पावर कंट्रोल है, इन हैंड डस्टबिन है और साथ ही साथ वर्सेटाइल क्लीनिंग हेड एंड अटैचमेंट्स हैं। अब हम वन बाय वन इसकी जो टूल्स एंड एक्सेसरीज हैं उसको देखते हैं। तो ये है इसका वैक्यूम हेड, इसमें जितने भी अटैचमेंट्स होते हैं वो सब कनेक्ट होते हैं फ्रंट से। इसके अंदर मल्टी स्टेजेस फिल्ट्रेशन दिया हुआ है जो कि फाइन से फाइन डस्ट को भी कैप्चर कर लेता है। ये पर्टिकुलर मॉडल में बैटरी रिप्लेस करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अंदर LCD टच स्क्रीन मोड्स हैं। ये एक बैगलेस मशीन है जो कि साइक्लोनिक टेक्नोलॉजी पे काम करती है, बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। इसको आप कंटिन्यूअसली 70 मिनट्स तक रन कर सकते हैं विदाउट एनी हीटअप इश्यूज। इसके अंदर कोई भी हीटअप इश्यूज नहीं है, कोई प्लग इन प्लग आउट का टेंशन नहीं है, आप कहीं पर भी ले जा करके इसको यूज कर सकते हैं। ये है प्राइमरी क्लीनिंग हेड, इसको आप फ्लोर पे यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ रग्स एंड कार्पेट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली सरफेस को आइडेंटिफाई कर लेता है एंड उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को अडेप्ट करके क्लीन करता है सरफेस को। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर सेकेंड हेड के ऊपर। तो ये है सॉफ्ट रोलर क्लीनिंग हेड, आप इसको हार्ड सर्फेस के ऊपर यूज कर सकते हैं, यूजुअली ये फ्लोरिंग के लिए यूज करा जाता है एंड इसका जो ये हेड अटैचमेंट है जो ये मूव कर रही हूँ जिसको मैं, ये इजीली रिमूवेबल होता है। आप इसको जब ये गंदा हो जाए तो आप इसको आराम से निकाल करके क्लीन करके वॉश करके सुखा करके एंड वापस से रीयूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड अटैचमेंट, ये कॉम्बिनेशन टूल है। सो दिस इज लाइक अ मल्टीपर्पज टूल, ये 2-in-1 टाइप का है। आप काफ़ी सारे सर्फेसेज इससे क्लीन कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। उसके बाद आते हैं ये जो नॉजल टाइप का टूल है ना, इससे आप अपने सोफे के जो कॉर्नर्स होते हैं, कार के जो सीट्स होते हैं, उसको आप बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। देन दिस इज स्पेशली फॉर मैट्रेस। उसके बाद जो ये काफ़ी फ्लेक्सीबल सा टूल है, तो इसकी हेल्प से ना आप कहीं पर भी जो आपकी रीच से बाहर का एरिया है उससे आप क्लीन कर सकते हैं। ये है अपटॉप अडेप्टर, सपोज सीलिंग हो गया, फैन हो गया, ऐसी कोई जगह जहां पर आपका हाथ नहीं पहुंच सकता है, आप इसके हेल्प से बहुत आसानी से उसको क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये सॉफ्ट मिनी ब्रश के ऊपर। तो ये हल्की फुल्की डस्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा सही चीज है, जो वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं ग्लास के या ऐसी कोई चीज होती है तो उसको आप इसकी हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। नाउ ये जो मिनी मोटराइज टूल है ना, ये बहुत ही सही आइटम है। आप सोफे के जो फैब्रिक सोफा होता है उसको बहुत अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं, कार्पेट रग्स को भी क्लीन कर सकते हैं। अब आते हैं हम डेमो पे। ओके गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विद क्लीनिंग और बहुत बेसिक हम लोग क्लीनिंग करने वाले हैं।
सो दिस इज ऑल एम्प्टी, आप देख सकते हो कितने इजीली एम्प्टी हो जाता है ये, आपको हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है डस्ट को. एंड नाउ मैं इसको क्लोज कर देती हूँ एंड अब मैं आपको क्लीनिंग करके दिखाऊंगी और क्लीनिंग होने के बावजूद घर में कितनी डस्ट सेटल होती है वो इसमें अभी आपको क्लीनिंग के टाइम पे पता चल जाएगा. इसको असेंबल करना बहुत ही ज़्यादा इजी है. ये जो रेड कलर का नॉच दिख रहा है ना, आपको इसको सिर्फ फिट करना होता है इसके फ्रंट साइड में हेड के, और ये आपका फिट हो चुका है. तो ये कुछ क्लीनिंग मोड्स हैं. ये है इको मोड जो कि लाइटर और लॉन्गर क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है. ये है मीडियम या ऑटो मोड जो कि डीप क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है. देन है बूस्ट मोड जो कि 10 मिनट चलता है एंड सुपर पावरफुल इंटेंस क्लीनिंग के लिए है. इसमें लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, साथ ही साथ अलर्ट्स दिए रहते हैं जैसे कि अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो ये आपको अलर्ट कर देता है. तो यहाँ पर अभी हम क्लीन करने वाले हैं सीलिंग. आप देखिए कितना ईजिली ये क्लीन हो चुकी है. कुछ मल्टीपल अटैचमेंट्स जो है वो मैंने यूज़ कर रहे हैं इसमें एंड ये बहुत ईजिली हमारी जो सीलिंग है वो क्लीन हो चुकी है. तो इस वैक्यूम क्लीनर का जो वेट है वो है 3 kg और इसका जो डस्टबिन कैपेसिटी है जिसके अंदर ये सारा डस्ट कलेक्ट करता है वो है 0.57 liters. इसका जो चार्जिंग टाइम है वो है 4 hours. तो आप देखिए आप हर तरह के सरफेस से में इससे क्लीनिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल अटैचमेंट दिए हुए हैं जो कि आपकी क्लीनिंग को बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देता है. इससे डस्टिंग करना बहुत ईजी है. आप इसको हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ आई एम क्लीनिंग सोफ़ा हेयर एंड आप इसका ये फैब्रिक सोफ़ा है एंड इसको हम वॉश करते हैं बट 3 या 4 months में एक बार हम इसके फैब्रिक को वॉश करते हैं. एंड गाइज लुक एट द अमाउंट ऑफ डस्ट जो इसमें कलेक्ट होती है. आपको क्लियर विजिबल होगा जो लाइन दिख रही है जब ये क्लीन होने के बाद. और ऐसा भी नहीं है कि हमको मल्टीपल टाइम्स इसको ड्रैग करना पड़ रहा है. एक बारी के ड्रैग करने में ही ये मतलब इसने हमारे सोफ़ा को लिटरली चमका दिया था. ये इतना अच्छे से काम करता है. सो ये इसका बिन है. इसको खाली करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है. ये देखिए पूरा जो भी है डस्ट है वो पूरी नीचे आ गई है. आपको कोई हाथ वात लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. तो इसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इजी है. एंड देखिए कितना ज़्यादा फाइन डस्ट पार्टिकल्स ये कलेक्ट करता है जो कि आप अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो कि आपके यहाँ पर डस्ट कलेक्टेड है. ड्यू टू दिस सिचुएशन जो अभी चल रही है, ऑब्वियसली बहुत सारे घरों में हाउस हेल्प्स अलाउड नहीं है. सोसाइटीज ने बंद करके रखा हुआ है तो अभी डस्टिंग एंड क्लीनिंग आपको ही करनी पड़ती है. तो मैं कोई झाड़ू एंड पोछा नहीं लगाती हूँ जो हमारे यूजुअली इंडियन हाउस होल्ड में होता है. मैं सिर्फ इस रोलर ब्रश की हेल्प से क्लीन करती हूँ और जितने भी मेरे रग्स हैं कारपेट्स हैं उनको क्लीन करती हूँ. पहले ये वाला जो रग है ये मैंने लिटरली फोल्ड करके रख दिया था क्योंकि ये बहुत डस्ट इसके अंदर कलेक्ट होती थी और इसको क्लीन करने का कोई इतना अच्छा ऑप्शन भी नहीं था. बट अभी मैंने इसको वापस से निकाल लिया है. मैं डाइसन से डेली इसको क्लीन करती हूँ. इसका बेस्ट पार्ट मुझे लगता है इसका जो डॉकिंग स्टेशन है, तो ये इसका चार्जिंग स्टेशन भी है. ये आप वॉल माउंटेड होता है, आपको इसको वॉल पे माउंट कर देना होता है एंड इसको लगा देना होता है यूज़ करने के बाद. ये आपको चार्जिंग कितना परसेंटेज है, कितना चार्ज हुआ है वो सब भी ये शो करता है. एंड जब वैक्यूम क्लीनर आपकी आँखों के सामने आपको दिखता है ना तो आप ऑटोमेटिकली इसको डेली यूज़ करते हो. इसमें यहाँ पर 2 और अटैचमेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं तो जो भी आप सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं क्लीनिंग करते टाइम डस्टिंग करते टाइम वो आप अटैचमेंट्स यहाँ पर लगा दीजिए एंड आपके लिए डे टू डे क्लीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी. यस दैट्स इट फॉर माय वीडियो. मेरा एंड में रिव्यू यही रहने वाला है कि आप अपना बजट देखिए. अगर आपका बजट अलाउ करता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट. एंड ऐसे ही इसको नंबर वन वैक्यूम क्लीनर नहीं बोलते हैं. इट डज द जॉब परफेक्टली. लाइक ये बहुत ही सही तरीके से काम करता है. इफ़ योर बजट अलाउज यू ट्राई टू गेट योर हैंड्स ऑन दिस प्रोडक्ट. दिस इज अमेजिंग. एंड इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा. आई होप आपको मेरे वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. सो येस दैट्स इट फॉर माई वीडियो. इफ यू आस्क मी कि आई वर्थ द मनी है, सो येस इट्स एब्सोल्यूटली वर्थ द मनी. एक्सपेंसिव है आई नो, बट हर एक पैसे को ये जस्टिफाई करता है. तो यस दैट्स इट फॉर माय वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.